वेलकम टू माई चैनल सरोज जी ऑन ज्ञान द ट्रेजर। और आप मेडिटेशन की मुद्रा में ही मैं देख रहा हूँ। आप पहले अपनी मुद्रा को कंप्लीट कर लीजिए, मेडिटेशन की मुद्रा को। इसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, कैसे किया और इस मेडिटेशन का फ़ायदा क्यों है और इसे भ्रामरी के बाद क्यों करना चाहिए। तो ये देखिए, सरोज जी जो है मेडिटेशन की मुद्रा में हैं, इनकी जो उंगलियाँ हैं, ये देखिए योग की एक मुद्रा है। हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, उंगलियों को रखने का तरीका होता है। हम किसी अगले वीडियो में बताएंगे कि उंगलियों को क्यों इस तरह रखा जाता है। देखिए दोनों हाथों का जो पोस्चर है, इस तरह रखना चाहिए। इसके भी फायदे हैं जो आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी कहीं पे ध्यान लगा के वो मेडिटेशन कर रही हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ध्यान लगाते हैं, किस पॉइंट को ध्यान लगाते हैं, किस चीज़ को सोचते हैं। बेसिकली ये अपने मन को काबू में रखने की चीज़ है। बेसिकली आपका जो मन है, मेडिटेशन का फायदे तो हर किसी को पता है, और ये भी कह सकते हैं आपकी त्राटक का ये पहला स्टेप है, हिप्नोटिज्म का पहला स्टेप है मेडिटेशन, जहाँ आपको दिमाग को, अपने मन को बिल्कुल संतुलित और एकाग्र करना है। सरोज जी नीड्स नो इंट्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ योगा। सी हैज़ ओन क्लासेस एंड दैट इज़ इन दिल्ली। सी इज़ इवन अ डॉक्टर, होम्योपैथी की बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। अभी इन्होंने अपना मेडिटेशन ख़त्म किया, अभी मेडिटेशन के बारे में आप कुछ बताएंगे। इसको करने के बाद इतनी एनर्जी मिल जाती है, दिमाग इतना शांत हो जाता है। ओम की ध्वनि जो हम पूरी मुंह बंद करके और नाक के द्वारा निकालते हैं, इसे और हमारे दिमाग में ओम गूंजता रहता है। ये भ्रामरी के बाद, भ्रामरी के बाद, और भ्रामरी के बाद करने के बाद इतना शरीर में एनर्जी मिल जाता है और इतनी शांति हो जाती है कि आप कुछ क्षण तक आपके जो हैं, जब आप मेडिटेशन लगाना चाहते हैं तो कोई क्षण भी ऐसा नहीं होता है जो आदमी का दिमाग नहीं चल रहा होता है। लेकिन आप इस चीज़ को अभ्यास करके देखिए, आप भ्रामरी के बाद आप दिमाग, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा। जिसको भी आप मानते हैं, आप शून्य बिंदु पे ही आप मेडिटेशन करिए, आपकी मेमोरी शक्ति तेज होगी, आपको भगवान के प्रति आस्था दिखेगी। और मैं समझती हूँ कि जो भगवान को पाने का सबसे अच्छा तरीका है, बहुत बहुत आप इसको करिए और 5 मिनट तो ज़रूर आपका मेडिटेशन हो जाएगा। जो मैंने लगा के देखा है, जो नहीं लग पाता है वो इसमें कोई मेरे जो अगर दिमाग में कोई बात आ रही है शुरू शुरू में तो उसको आने दीजिए, लेकिन अपने दिमाग को स्थिर रखिए। कुछ दिनों के प्रयास के बाद आपका दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और मेडिटेशन लगेगा। और सब कोई को पता है कि मेडिटेशन से कितने फ़ायदे हैं, अमूल्य है, इसकी कोई काउंटलेस है, इसकी कोई कीमत ही नहीं कोई दे सकता कि मेडिटेशन क्या चीज़ है। अच्छी है जो मेडिटेशन, और भ्रामरी के बाद आपको मेडिटेशन लगाना और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी जो मेडिटेशन कर रहे थे सरोज जी, आपने किसी पॉइंट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखा था या बिल्कुल शून्य, बिल्कुल हमारे दिमाग में कोई बातें नहीं आती। जैसे लोग बहुत चिंतित होते हैं, कोई भी बात हमेशा सोचते रहते हैं, अब मेरे दिमाग में उस तरह की कोई बातें नहीं आती। ये सब करने के अभ्यास के बाद मैं बहुत शांत होती हूँ। पर हम जब आँखें बंद करके कुछ, और अगर आप शांत रहेंगे, आपको धीरे धीरे करके प्राणायाम भी आप कर लें और पूरा योगा करें तब तो बहुत ही अच्छा है, सारे आसन के साथ। नहीं तो आप प्राणायाम करें। मैं समझती हूँ कि बहनों को तो ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मेडिटेशन बेसिकली हमारा दिमाग भी काफ़ी शार्प और तेज होता है। तेज होता है, यंगस्टर्स को बिल्कुल करना चाहिए इसका मतलब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। मतलब बचपन से अगर कोई 7-8 साल की उम्र से शुरू करे तब तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी है, दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों को भी करना चाहिए, उसकी स्थिरता आ पाती है, कंसंट्रेशन आता है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। तो माय डियर ऑडियंस एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान द ट्रेजर एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।